आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूँ त्रिशला यादव और स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास शो हेल्थ मंत्रा में, जिसमें हम आपकी मुलाकात डॉक्टर से कराते हैं और वो आपकी समस्याओं का समाधान बताते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ लखनऊ के वन ऑफ वेल नोन सर्जन, लैप्रोस्कोपी सर्जन डॉक्टर एस मुंशी हैं, जिनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे और वो बताएंगे अपने सफ़र के बारे में और आपकी समस्याओं के समाधान के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। धन्यवाद त्रिशला जी, आपके चैनल में मुझे इनवाइट करने के लिए, बोलने के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल। और बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है कि आज आपके साथ बैठकर आपने मुझे बुलाया है आपके साथ दो बातें करने में। सर, पहले तो आपकी स्टूडेंट लाइफ से लेकर के अभी तक के सफ़र के बारे में हम जानना चाहेंगे। करीब 32 साल हो गए आपको अपने प्रोफेशन में, कैसा रहा अभी तक का आपका सफ़र? यहाँ तक का सफ़र बहुत स्मूथ तो मैं नहीं कहूँगा, इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे, मगर 32 साल का जो 31 साल का सर्जिकल करियर है, उससे पहले मैं 1967 दिसंबर में अपने पापा के साथ आया था यहाँ लखनऊ में, और सेंट फ्रांसिस स्कूल में मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई करी, और वहाँ से क्लास 10 करने के बाद फिर पापा जी का मद्रास ट्रांसफ़र हो गया, तो चेन्नई में मैंने लॉयला कॉलेज में अपना इंटरमीडिएट किया, और लॉयला कॉलेज एक नेशनल लेवल में एक बहुत ही हाई लेवल का कॉलेज है, और वहाँ पे एडमिशन अमूमन ईज़िली नहीं होता है, बहुत ही मेरिटोरियस स्टूडेंट्स का होता है, और मैं मेरिटोरियस स्टूडेंट नहीं था स्कूल में। मेरी एडमिशन लॉयला कॉलेज में मेरे स्पोर्टिंग एबिलिटीज़ की वजह से हुआ, क्योंकि मैं फ़ुटबॉल बहुत अच्छा खेलता था, तो एक ब्रदर जेरार्ड थे, वो एक अलग लंबी स्टोरी है कि कैसे करके मैंने डॉन बॉस्को यूथ सेंटर ज्वाइन किया। ब्रदर जेरार्ड ने कहा कि लॉयला कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन तब हो पाएगा जब डॉन बॉस्को यूथ सेंटर को तुम फर्स्ट डिवीज़न में प्रमोट करा दोगे, तो ऊपर वाले की दया ऐसी रही कि हम लोग फाइनल खेले और फाइनल में हमने गोल भी मारा और हम जीत गए, और डॉन बॉस्को यूथ सेंटर थर्ड डिवीज़न से सेकंड डिवीज़न में प्रमोट हुई, और प्रमोट होने के मुझे रिवॉर्ड ये मिला कि मुझे लॉयला कॉलेज में एडमिशन मिल गया फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी स्ट्रीम में। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी स्ट्रीम एक ऐसा स्ट्रीम है जिसमें कि आपको बीएससी कर सकते हैं बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री में, और या फिर मेडिकल लाइन में आप जा सकते हैं सीपीएमटी देकर। तो ऊपर वाले का ऐसा था कि लॉयला कॉलेज में खूब फुटबॉल भी खेला और एक टॉप का कॉलेज था वो, तो वहाँ पे पढ़ाई लिखाई भी बड़ी अच्छी तरीके से करी, और वहाँ पे एक बहुत अच्छा चीज़ हुआ जो आज भी मैं गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि मेरे को वहाँ पे केमिस्ट्री में इंटरमीडिएट में 200 में से 196 मार्क्स मिले थे, जो कि आज तक का मद्रास यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड है 98% का। ये 1978 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जिस ईयर में मैंने अपना इंटरमीडिएट किया था, क्लास 10 मैंने यहाँ लखनऊ से किया था जी। उसके बाद लॉयला कॉलेज के बाद मेरा जो जोनल सीपीएमटी हुआ करता था उस समय, उसमें मेरा रैंक जो है 7th आया था, और उसके बाद मेरा वहीं पे मद्रास मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया, मैंने अपना MBBS वहाँ कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने MS अपना किया, और MS करने के बाद मैंने यहाँ पे विवेकानंद हॉस्पिटल ज्वाइन किया, बहुत लो सैलरीज़ मिलते थे, वहाँ पे मैंने अपना काम सीखा, एक बहुत ही उच्च कोटि का हॉस्पिटल था उस समय, वो अभी भी है, और वहाँ पर काम सीखने का भरपूर मौका मिला मुझे। तो मैंने उस समय बिल्कुल भी पैसे की तरफ ध्यान नहीं दिया, मेरे फादर मदर सबके साथ मैं रहा हूँ, अभी भी रहता हूँ, फादर तो अब नहीं रहे, मदर हैं, मगर उनका आशीर्वाद से मैंने वहाँ पे काम सीखने के बाद मैं 7th अक्टूबर 1990 को मैं अपना प्रैक्टिस में उतरा, और अब ये 7 अक्टूबर 2022 को इसके 32 साल प्रैक्टिस के कंप्लीट हो जाएंगे। इस दौरान में बहुत सारी ऊंचाई रही, बहुत सारे ट्रफ्स रहे, मगर ये है कि मैं थोड़ा आध्यात्मिक आदमी हूँ, स्पिरिचुअलिटी में विश्वास करता हूँ, भगवान में यकीन करता हूँ, तो जो है कि मेरे रास्ते जितने भी मुश्किलें आते गई, मेरे दोस्त, मेरे गुरु जिन्होंने जो लोग मुझे डॉक्टर KV जैन बोलकर हैं, जिन्होंने मुझे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी सिखाई है ना, तो इन लोगों के प्रति
विवेकानंद हॉस्पिटल के प्रति मैं हमेशा कृतज्ञ रहूँगा, क्योंकि इन लोगों की वजह से ही आज मैं इस लेवल में काम कर पा रहा हूँ, अपना यूनिट हैंडल कर रहा हूँ। किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बिना जुड़े हुए मैं करीब 30,000 से ऊपर सर्जरी कर चुका हूँ, जो कि अपने में एक मैं समझता हूँ अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल जोन्स में भी जो वर्क करते हैं वो भी एक ये फिगर को देखकर इट इज़ एन अप्रिशिएबल फिगर कि आप इतना लेवल में काम किए हैं। इसके लिए मैं अपने पेरेंट्स, अपने टीम, अपने गुरु, अपने साथी संगी, मेरे एनेस्थेटिस्ट जो इतने सालों से मुझे देते आ रहे हैं, बदले हैं, उनके प्रति मैं बहुत ही कृतज्ञ रहूँगा कि ये जर्नी हैज़ बीन सच ए गुड जर्नी सो फार। डॉक्टर, आप सर्जन हैं और आपने बताया कि अभी 32 वर्ष पूरे हो जा रहे हैं सर्जरी में। हम आपके सर्जरी स्पेशलाइजेशन के बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी जो स्टडी रही है सर्जन को लेकर के वो क्या रही है, क्या कुछ आपकी अचीवमेंट रहे हैं, क्या कुछ अवार्ड्स आपको मिले हैं, और क्या कुछ कोई ऐसी सर्जरी जो बहुत अलग रही हो जिसको करने में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ा हो। देखिए, बेसिकली तो मेरी क्वालिफिकेशन में मैं जनरल सर्जन हूँ। एक जनरल सर्जन जो पुराने 1989 में मैंने अपना MS ख़त्म किया था, पुराने टाइम के जो जनरल सर्जन के हिसाब से मैंने सोचा कि मैं उस समय लैप्रोस्कोप नहीं था 89 में, हमने लैप्रोस्कोपी सीखे करीब 18-20 साल हो गए हैं जितना दिन इंडिया में आया है, और उस समय बहुत सारी वैरायटी ऑफ सर्जरीज करते थे हम लोग, जैसे रेंजिंग फ्रॉम गायनी सर्जरी टू जनरल सर्जरी टू एब्डोमिनल सर्जरी, थोरेसिक सर्जरी बहुत सारा। तो हम लोग पुराने सर्जन जो हैं उनका कोई फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन नहीं होता था, वो बहुत वाइड स्पेक्ट्रम होता था, क्योंकि उस टाइम में MCH वगैरह भी नहीं था एक आध फील्ड्स को छोड़कर जो सुपर स्पेशलिस्ट होता है। उसके बाद मैंने अपना ट्रेनिंग लिया एक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में, और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की ट्रेनिंग लेने के बाद लैप्रोस्कोपिक में एब्डोमिनल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में, जिसमें कि मैं गायनी सर्जरीज भी करता हूँ, लैप्रोस्कोपिक गैस्ट्रो सर्जरीज भी करता हूँ जिसमें गॉल ब्लैडर वगैरह आ जाता है सब आपका पूरा। तो इस वर्क में मैंने, इस फील्ड में मैंने बहुत सारा काम किया है अपनी ट्रेनिंग को लेने के बाद, मगर मैं इधर देख रहा हूँ कि जो पेशेंट्स और मेरे को जो पेशेंट्स का एडवांटेज क्या है कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद हॉस्पिटल स्टे बहुत कम हो जाता है, बॉडी में इंजरी बहुत कम होती है, थोड़े छोटे छेद से ऑपरेशन होता है, पहले बहुत बड़ा चीरा लगता था, तो पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी भी बहुत फास्ट होती है, पेशेंट कंप्लायंस भी बहुत होता है, मगर इसके अपने कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, अपने खतरे भी हैं, जिससे कि प्रॉपरली वेल ट्रेंड हॉस्पिटल एंड वेल ट्रेंड हॉस्पिटल स्टाफ एंड सर्जन्स के पास पेशेंट जाएँ तो कॉम्प्लिकेशन लेवल्स को बहुत कम में रख सकते हैं। डॉक्टर, आपने बात करी कि लैप्रोस्कोपी कम चीरे लगते हैं और ऑपरेशन हो जाते हैं, बहुत लोगों को इस लैप्रोस्कोपी को लेकर के मिथ भी है कि ये जो ऑपरेशन है ये जनरली सक्सेसफुल नहीं होता, ऐसे लोगों के लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि कितना सक्सेसफुल है ये सर? अभी एक बहुत वाइड टर्म है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। अब लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में हम एक जैसे गॉल ब्लैडर सर्जरी ले लें जी, तो गॉल ब्लैडर सर्जरी में गोल्ड स्टैंडर्ड है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मतलब दैट इज़ द फर्स्ट मोडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट गॉल ब्लैडर सर्जरी के लिए। तो इसमें जो है लोगों को जो मिथ है कि पथरियाँ छूट जाती हैं, आधा सर्जरी होता है, ये पहले था इन द सेंस जब हम लोगों के जैसे ही सर्जन्स ट्रेनिंग कर रहे थे, ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं थी, या कंप्लीट ट्रेनिंग होने के बाद हम लोगों की पर्सनल स्किल्स जो हैं उतने हाई लेवल में डेवलप नहीं थे, तो हम लोग उसमें कॉम्प्लिकेशंस देते थे, उसमें प्रॉब्लम्स पेशेंट्स को होती थी। अब क्या हुआ है विद द पैसेज ऑफ टाइम, हाईली स्किल्ड लोग निकल रहे हैं। अब लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में सिर्फ बच्चा पैदा करने को छोड़कर, सिजेरियन ऑपरेशन को छोड़कर, लगभग पेट की सारी सर्जरी लैप्रोस्कोपी से होती है। अब उसके भी सब स्पेशलाइजेशन है, कोई लिवर पे काम करता है, कोई हिपेटोबिलियरी में काम करता है, कोई आँतों में काम करता है, कोई यूट्रस वगैरह में काम करता है, तो हर एक की अलग ट्रेनिंग्स हैं, अलग फेलोशिप्स हैं, अलग तरीके से उनका अप्रोच है। जैसे जैसे स्किल लेवल बढ़ता चला जाता है और कॉम्प्लिकेशंस कम होते चले जाते हैं, वैसे ही जो मिथ है ये कम होता चला जाता है। लोगों को जहाँ रिजल्ट मिलेगा तो देन दे विल बी मोर कन्विंस्ड एंड दे विल बी हैप्पी, और उनका जो बैक ऑफ द माइंड में एक फियर रहता है सर्जरी का वो ख़त्म हो जाता है। हमारा मेन प्रयास ये रहता है कि ट्राई टू कन्विंस द पेशेंट इन सच अ मैनर
कि वो सर्जरी के लिए भी कन्विंस हो, कॉम्प्लिकेशंस को भी लेके अलर्ट रहे, और सर्जरी के बाद कम से कम टाइम विद मिनिमम फस वो हॉस्पिटल से चला जाए और ही रिमेंस हैप्पी एंड हेल्दी। यही मेरा ऑब्जेक्टिव है। डॉक्टर, आपके अभी तक के करियर में कोई ऐसा केस लैप्रोस्कोपी की सर्जरी में कि कोई कॉम्प्लिकेशंस आए हो? और कॉम्प्लिकेशन आए हो तो किन कारणों की वजह से वो कॉम्प्लिकेशन आए? देखिए, कॉम्प्लिकेशंस को तो बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं, अर्ली कॉम्प्लिकेशंस, लेट कॉम्प्लिकेशंस, डिलेड कॉम्प्लिकेशंस, एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशंस, सडन डेथ ऑन द टेबल ड्यू टू एनेस्थीसिया, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब एक अच्छे वर्क करने वाले लोगों का ऐसा नहीं है कि मेरे हाथ से कोई पेशेंट मरा नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि मेरे हाथ से कोई पेशेंट कॉम्प्लिकेट नहीं हुआ है, ज़रूर हुए हैं, मगर क्या है, सक्सेस के पीछे ये रहता है कि ये कॉम्प्लिकेशंस की मात्रा बहुत कम रहती है, दे आर वेरी लेस, जिससे कि तभी आपका नाम हो पाता है। अगर आपका कॉम्प्लिकेशन लेवल्स और कॉम्प्लिकेशंस आपके बहुत ज़्यादा होंगे तो आपका पब्लिक फेथ रिड्यूस हो जाएगा। पब्लिक फेथ रिड्यूस हो जाने का मतलब है कि यू आर नॉट अ वेरी एफिशिएंट सर्जन। तो कॉम्प्लिकेशंस हमारे साथ भी हुए हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो मैनेजेबल कॉम्प्लिकेशंस थे, कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे जो अनमैनेजेबल हैं, इरिवर्सिबल हैं, उसमें डेथ भी मेरे ख्याल से एक या आधा हुए होंगे, है ना। तो उसमें कभी कभी पेशेंट्स को भी कुछ कंडीशंस अंडरलाइंग रही होंगी, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट में स्टेंट्स पड़े हुए हैं, कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जिसमें हम लोग हाई स्ट्रेस सिचुएशंस में ऑपरेट करते हैं आज तक, उसमें हम लोग एनेस्थीसिया डेथ्स या पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसमें कि ये हुआ, मगर डायरेक्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस से डेथ आर वेरी वेरी लेस। डॉक्टर, क्या कुछ अभी तक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको अपने पेशेंट्स के साथ, आपको मरीजों के साथ? कुछ मरीज ऐसे भी होंगे जो लॉन्ग टाइम से आपके से जुड़े होंगे, आप उनको ट्रीट करते होंगे, लाइक ब्रॉड टाइप ऑफ सर्जरीज आप करते हैं, तो क्या कुछ कॉम्प्लिकेशन आते हैं पेशेंट्स के साथ? जी देखिए, आज से 3 दशक की प्रैक्टिस है, 3 डिकेड्स की प्रैक्टिस है, तो मैं इसको अगर 3 पार्ट में डिवाइड कर दूं, 1st 10 ईयर्स, 2nd 10 ईयर्स एंड द 3rd 10 ईयर्स, तो जो लास्ट 10-15 ईयर्स का जो प्रैक्टिस है, इसमें डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप जो है, जो मैं देखता हूँ, जो मैं सुनता हूँ, जो मैं पर्सनली एहसास करता हूँ, ये डिटूरिएट कर गया है, क्योंकि डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो एक ब्लाइंड फेथ हुआ करता था 1st 10 ईयर्स में, वो अब नहीं रहा। उसके कारण ये है कि लिटरेसी लेवल बढ़ गया है, किसी को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। सो बहुत सारे डॉक्टर्स थे वो उल्टा सीधा बता दिया करते थे कभी कभी, या जो वो सही समझते थे वो बताते थे, मगर दैट वॉज नॉट एक्चुअली राइट। तो पेशेंट फेथ बिल्डअप करने में बहुत टाइम लगता है, मगर उसके बाद भी पेशेंट्स आर सस्पिशियस, क्योंकि इतने आप पेपर में पढ़ते हैं कि हॉस्पिटल में तोड़फोड़ हो रहा है, ये हो रहा है, पार्लियामेंट में लॉज निकल रहे हैं, डॉक्टर को मार रहे हैं, पेशेंट मर गया, हॉस्पिटल को FIR हो रहा है। तो पॉइंट ये है कि हम लोग अब उतने ज़्यादा कंफर्टेबली प्रैक्टिस तो नहीं कर पा रहे हैं जितना कि पहले करते थे। अब हम लोग हेविली इन्वेस्टिगेट कराते हैं पेशेंट को, कोई भी पेशेंट की कमी होती है तो उसको पहले सॉर्ट आउट कराते हैं। इस चीज़ से अच्छाई ये हुआ है कि पेशेंट सेफ्टी बढ़ गया है जी। जब हम आपसे डरेंगे तो हम जो है कि आपका काम बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, दिस इज़ द थिंग। एक इंग्लिश में कहावत है, फियर इज़ द की, एलिस्टर मैकलिन का एक नॉवेल है, उसका नाम ही है फियर इज़ द की। तो डॉक्टर स्पेशली सर्जन्स, फिजिशियंस में क्या है, उन्होंने दवा लिख दिया, दवा सूटेबल नहीं हुआ, ठीक है। अब फिजिशियंस भी बहुत ग्रेडेड हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो नियर टू सर्जरी करते हैं, इम्प्लांट डालते हैं, एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं, दे आर ऑलमोस्ट ऑपरेटिंग। तो क्या है कि उन सब लेवल्स में डेथ्स के, कॉम्प्लिकेशंस के रेट्स आर हायर। अब हम लोग इसमें जैसे गॉलब्लैडर वगैरह सर्जरी है, इसमें डेथ इज़ ऑलमोस्ट अनएक्सेप्टेबल इट दिस गिवन सिनेरियो, ये अनएक्सेप्टेबल है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर वे से इन्वेस्टिगेट कराते हैं पेशेंट को, पेशेंट में कोई अगर कमी हो तो उसको पहले करेक्ट कर लेते हैं। तो हमसे कोई भी अगर पूछता है कि व्हाट डू यू फील, तो मैं ये कहता हूँ, द पेशेंट्स हैव मेड अस मोर अलर्ट, पेशेंट्स ने हम लोगों को बहुत अलर्ट कर दिया है, एंड ये अलर्टनेस से हम लोगों की परफॉर्मेंस एंड स्किल्स को इम्प्रूव और करना पड़ा, एंड वी हैव बिकम बेटर सर्जन्स एंड बेटर क्लिनिशियंस बिकॉज ऑफ द अलर्टनेस ऑफ द पेशेंट्स। ये एक फ्लिप साइड है इसका, जिसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ,
और दूसरा है कि जो मेरे नेक्स्ट जनरेशन के सर्जन आ रहे हैं सामने, दे आर वेरी स्किलफुल, दे आर वेरी गुड, बट दे हैव टू ऑल्सो कीप इन माइंड कि डेथ देने के बाद यू हैव टू हैव द कम्युनिकेशन स्किल टू एक्सप्लेन, पेशेंट को समझाना कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द डेथ, तुम FIR मत करो, तुम मुझे मत मारो, है ना। तो शुरू से मैं कहता हूँ कि डॉक्टर पेशेंट के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक रैपो होना चाहिए, उसको ये लगना चाहिए कि ही इज़ इन वेरी सेफ हैंड्स एंड ही इज़ इन फ्रेंडली टेरिटरी। उसको कभी ये नहीं लगना चाहिए कि ही इज़ इन रॉन्ग टेरिटरी, कि यहाँ पे मेरे को सिर्फ पैसे लिया जा रहा है और मेरे सिर्फ ये किया जा रहा है, मेरे को हैरस किया जा रहा है। उसको फील करना चाहिए कि हाँ, ये डॉक्टर फ्रेंडली है, दिक्कत पड़ने पे मेरे बगल में खड़ा हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम पेशेंट के साथ होता है और मैं ऑपरेटिंग सर्जन हूँ, तो मैं रात रात टूथब्रश टूथपेस्ट लेके पेशेंट के बगल में रातों रात मैं बैठा हूँ, होल नाइट। पेशेंट अगले दिन सवेरे मर गया, मगर अटेंडेंट्स ने क्या कहा, डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन करने के बाद पूरा जी जोड़ मेहनत कर लिया पूरा, जो कि जिससे कि कोई कसर नहीं छोड़ा। आई फील कि लाइफ तो हम लोग दे नहीं सकते हैं, तो लाइफ लेने का भी कोई हक नहीं है, मगर इस प्रोफेशन ऐसा है जिसमें कि लाइफ एंड डेथ इन्वॉल्व है, तो हम जो एक चीज़ कर सकते हैं वो है कोशिश। तो हम कोशिश में कहेंगे कि किसी तरीके की कोई कमी ना रहे। डॉक्टर, अगर कोई पेशेंट होता है जिसकी डेथ हो जाती है, एक डॉक्टर को कैसा फील होता है, बीइंग ए डॉक्टर उसे क्या लगता है? इसका ऑपोजिट मैं आपको बता दूं कि इतने हज़ारों सर्जरी करने के बाद मेरे को कोई चीज़ उतनी खुशी नहीं देती है जिस समय पेशेंट आके नमस्ते करके या पैर छूके जाता है और बोलता है कि डॉक्टर साहब आपने ऑपरेशन कर दिया, हम ठीक हो गए और हम जा रहे हैं। अब इस मसले में मैं आपको मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर की एक लाइन बता दूं, जिसे कि कोई गर्व की बात नहीं है। वो जब हम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ था तो मेरे को बोले थे, जानते हो भगवान दो बार हंसते हैं। कहते कब? कहते पहले बार जब एक डॉक्टर पेशेंट को बोलता है कि देखो मैंने तुम्हें ठीक कर दिया, और दूसरी बार हंसता है तब जब दो भाई आपस में लड़ते हैं कि ये ज़मीन मेरा है। तो याद रखना इस बात को। तो तब से मैंने ये याद रखा, जब भी वो मेरा पैर छूता है तो मैं मालिक का पैर छूता हूँ, बिकॉज ही इज़ द डूअर। हम डूअर नहीं हैं, हम करने वाले नहीं हैं, हम सिर्फ एक ट्रेंड पर्सनल हैं जो अपना बेस्ट ट्राई करके करते हैं। जब कोई पेशेंट मर जाता है तो उससे या कुछ होता है तो उसके साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स जब वो OPD में आता है ऐसे करके रखना पड़ता है कि उसको पहले से फील हो जाए, मैंने आपसे कहा कि वो फ्रेंडली टेरिटरी में है, एक फ्रेंडली टर्फ में है, और इस आदमी के ऊपर पूरी तरीके से रिलाई किया जा सकता है। उसके बाद भी नए नए रिश्तेदार आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स खड़ी होती है, बट उसका ही सॉल्यूशन निकालना को ही पब्लिक रिलेशंस कहते हैं, उसको भी समझाना पड़ता है, एंड यू हैव टू फाइंड अ वे आउट। ये आपके पर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक खींच के ले जा सकते हैं और कहाँ तक एक डेड पेशेंट के अटेंडेंट्स को कन्विंस कर सकते हैं कि ये हो गया है और ऐसा हुआ। कुल मिला के एक पेशेंट और डॉक्टर के बीच में फ्रेंडली रिलेशन होना बहुत अच्छा, फ्रेंडली और बहुत फ्रेंडली और बहुत ही कॉर्डियल और बहुत ही अच्छे रिलेशंस होने चाहिए, एक ट्रस्टवर्दी रिलेशन होना चाहिए। उसको ये फील नहीं करना चाहिए कि डॉक्टर मुंशी का बहुत नाम है, मैं इसे ऑपरेशन कराने गया मगर यार ऑपरेशन करा कि उनसे मुझसे ठीक से बात भी नहीं किया, इन्होंने अपना एटीट्यूड दिखाया, ठीक से मेरे से बात भी नहीं किया, मैंने दो सवाल पूछा तो उन्होंने उसका जवाब भी नहीं दिया, मैंने नमस्ते किया तो जवाब नहीं दिया। नो, आप कहीं से भी सुपीरियर नहीं हैं, किसी तरीके से सुपीरियर नहीं है। आप अपना काम करने के लिए आए हैं, वो अपना काम है। हो सकता है कि एक टाइम में वो किसी पोजीशन में हो, आपको उसकी ज़रूरत पड़े, आप उसके पास उसके ऑफिस के बगैर खड़े रहेंगे। मैं ऐसा सोचता हूँ, दिस इज़ माई थिंकिंग, कि बी ग्राउंडेड, बी हम्बल। डॉक्टर, कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो सर्जरी के बाद घर जाते होंगे, कुछ लापरवाहियाँ करते होंगे, तो ऐसे में किस तरह की लापरवाहियाँ पेशेंट्स के द्वारा सामने आती हैं आप लोगों को? पेशेंट्स का बहुत सारे पेशेंट्स के बहुत डिफरेंट टाइप्स के हैं। जैसे कहीं पे लापरवाही के अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने एक डेडिकेटेड स्टाफ रख रखा है, जो कि पेशेंट जब घर से हॉस्पिटल से घर जाता है तो उसके जाने से पहले एक डूज एंड डोंट्स का प्रिंट आउट हिंदी में लिख के उसको दे देते हैं। तो उसको बता देते हैं कि इतना दिन ये नहीं खाना है, ये नहीं पीना है, ये टाँकों के ऊपर इतना दिन पानी नहीं गिराना है, बाहर नहीं जाना है, हर्निया में जो जाली पड़ती है लैप्रोस्कोपिक करते हैं उसमें अगर कहीं से कुछ पानी वानी है, सब कुछ डूज एंड डोंट्स के फाइल में लिखा रहता है।
तो उसके बावजूद भी अगर वो करते हैं तो उनके पास एक रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन रहता है कि आपको ये मना किया गया था त्रिशला जी करने के लिए, मगर आपने ये वो चीज़ किया इसलिए आज आपको इसका फल मिल रहा है, अब हम इसको ट्रीट करेंगे आगे चल के, ये हुआ इसलिए क्योंकि आपने ये किया, दैट्स हाउ इट इज़। तो एवरीथिंग इज़ डॉक्यूमेंटेड। आजकल के टाइम में डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन, ये दो चीज़ें, कम्युनिकेशन विद द पेशेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन फॉर मेडिकल लीगल, ये दो चीज़ें आर द की टू एवरी क्लिनिशियन। एवरी क्लिनिशियन शुड फॉलो दिस थिंग, डॉक्यूमेंटेशन फर्स्ट, कम्युनिकेशन। तो फिर आज के वक्त में आपने बताया कि सभी अवेयर हो गए हैं, बहुत जगहों से ऐसे मामले सामने आते हैं जब डॉक्टर को हैरेस किया जाता है, या अगर गलती से किसी पेशेंट की डेथ हो गई तो मारपीट के भी मामले सामने आते हैं। बीइंग ए डॉक्टर किस तरह से देखते हैं आप उसको, और कहाँ एक गैप देखते हैं डॉक्टर और पेशेंट के बीच? मैं वहीं पर, मैं कम्युनिकेशन और दूसरा स्किल ऑफ द डॉक्टर, आप कहाँ पे किस से एंड फैसिलिटीज ऑफ द हॉस्पिटल, ये तीन चीज़ों का जो है बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप किस जगह में गए हैं, उस डॉक्टर की क्या क्वालिफिकेशन है, उसकी स्किल क्या है, और वहाँ पे बैकअप क्या है ऑपरेशन के बाद वो करने के लिए। अभी एक मद्रास में एक फिल्म एक्ट्रेस की लाइपोसेक्शन में डेथ हो गया, वो अपना पेट में फैट ज़्यादा था, शी वॉज अ फिल्म एक्ट्रेस विद अ गुड फिगर, अभी पेपर में था, तो पेट में फैट जाना होने के कारण एक ऑपरेशन होता है उसको लाइपोसेक्शन कहते हैं, वो लैप्रोस्कोपिकली फैट को ड्रॉ कर लेते ताकि पेट फ्लैट हो जाता है। उसमें एक कॉम्प्लिकेशन है, बहुत नॉन कॉम्प्लिकेशन है जो ऑर्थोपेडिक में और इसमें होता है, उसको फैट एम्बोलिज्म कहते हैं। कभी कभी नी जॉइंट या कोई भी मेजर जॉइंट्स को जब रिप्लेसमेंट आप इतना सुनते हैं, होने का सडन डेथ हो जाता है पेशेंट का, द सडन डेथ इज बिकॉज ऑफ नथिंग बट फैट एम्बोलिज्म। बच्चा पैदा होता है, सडन डेथ होता है, देयर इज एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, नथिंग, नो रीजन, जस्ट द पेशेंट इज डेड विद इन मिनट्स। तो ये सब हम लोगों के कंट्रोल में नहीं है, बट जिस जगह में उसका लाइपोसक्शन हुआ था, जिस जगह में उसको MI हुआ लाइपोसक्शन के बाद, उस जगह में ICU नहीं था। हो सकता है ICU होने के बाद भी वो शी वुड हैव डाइड, मगर अगर ICU होता तो वो मेडिको लीगली प्रोटेक्टेड होते हैं। ICU ना होने के कारण उनके ऊपर FIR हो गया। डॉक्टर, जो हमारे प्राइम टीवी के दर्शक हैं, आप लखनऊ के एक वेल नोन डॉक्टर हैं, जाने माने सर्जन हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे कि अपने स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखें और जो सर्जरी है वो कितना सेफ है? देखिए, सबसे पहला सवाल आपने जो पूछा है कि पेशेंट्स को खुद ही पता नहीं रहता है वो कब नॉर्मल से पेशेंट बन गए, और दूसरा चीज़ है किसी भी सिम्टम को, सिम्टम मतलब किसी भी परेशानी हो, जैसे चेस्ट पेन हो रहा है, ब्रेस्ट में कोई लंप आ रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, लैट्रिन में ब्लड आ रहा है, या अचानक कोई बेहोश हो के आप गिर गए, किसी भी ऐसे निशानियों को आप हल्के में ना रहें। लोकल जो पास में जो डॉक्टर हैं, जिनको आप सही समझते हैं, जिनके ऊपर फेथ है, उनके ऊपर आपको आके दिखाइए, अपने टेस्ट कराइए, धीरे धीरे भगवान आपको सही जगह पहुंचा देगा और फिर आप उसका ऑपरेशन कराइए। जहां तक अब अच्छे इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल खुल गए हैं, हम लोग के देखते देखते इतने रिनाउंड पर्सन इस शहर में हैं, हम लोग काम कर रहे हैं सब, तो सर्जरी तो अच्छे जगहों में पहले से बहुत ज़्यादा सेफ हो चुका है। थोड़ा बहुत सेफ नहीं, सेफ्टी लेवल्स बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि मॉनिटरिंग पैरामीटर्स जो हैं वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर आ गए हैं, जो आपको हर पल की खबर आपके बॉडी के बारे में देता रहेगा। एक सेकंड में आपका पल्स क्या है, BP क्या है, रेस्पिरेटरी रेट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड सेचुरेशन क्या है, PO2 क्या है, सब कुछ बताएगा आपको, EBG है, आर्टेरियल ब्लड गैस है, एक एक सेकंड में सब चीज़ बताता रहेगा आपको। तो सेफ्टी तो हम लोग बहुत सेफ हो गए हैं, अब हम लोग एक ट्रांजिशन फेज़ में है, फ्रॉम सर्जरी से हम ग्रेजुएट किए टू लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से अब हम लोग आए हैं धीरे धीरे रोबोटिक सर्जरी के ऊपर, और रोबोटिक सर्जरी, मैंड रोबोटिक सर्जरी जो कंसोल होता है उस पर अभी कर रहे हैं। उसके आगे भी एक चीज़ आने वाला है जिसको हम अभी इस प्लेटफॉर्म में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि साइंस इज़ एन एवर इंक्रीजिंग हॉराइजन, ठीक है ना, और सर्जरी बहुत सेफ हो गया है, एक्सेप्ट फॉर द थिंग्स कि जो नए टेक्निक्स आ रहे हैं, जैसे रोबोटिक आया,
रोबोटिक इज कंसिडर्ड टू बी मोर सेफ देन लैप्रोस्कोपिक क्योंकि इट इज नैनो मिलीमीटर परफेक्ट, है ना। तो उसके भी आप जितना काम उस पर किया जाएगा तो उसके भी कॉम्प्लिकेशंस जरूर होंगे, वो सामने आएंगे। मगर अगर हम बात करें डे वन से और 31 साल बाद, तो सर्जरी जरूर बहुत आगे बढ़ चुका है, सेफ्टी बहुत हो चुका है और स्किल लेवल बहुत हाई हो गया है और बहुत सारी ऐसी सर्जरी अब हमारे इस शहर में हो रहा है पिछले 5-7 सालों में जो इस पहले पॉसिबल नहीं हुआ करता था। लोगों को दिल्ली जाना पड़ता था या कंट्री छोड़ना पड़ता था। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। तो ये थे डॉक्टर एस मुंशी जिन्होंने अपने 32 साल के एक्सपीरियंस से बताया कि सर्जरी कितनी सुरक्षित है और डॉक्टर और एक पेशेंट के बीच का रिश्ता कितना बेहतर होना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो बेहतर अपने आप को कर पाए, इसलिए भी कि बहुत ज़रूरी है एक डॉक्टर एक पेशेंट के बीच का रिश्ता भी। आज के हमारे इस खास सेगमेंट पे इतना ही, आज के लिए धन्यवाद। देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।